वेलकम बैक स्टूडेंट आफ्टर लॉन्ग टाइम। और आज हम करने लगे अपना चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स क्लास 9 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो इससे पहले चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर दे तो आपको ये समझ आएगी इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। हमने ट्रांसलेशनल मोशन को पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में। और ट्रांसलेशनल मोशन स्टूडेंट वो तरह की बहुत सारी मोशन होती है जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन, फर्स करो अभी यहाँ पे पड़ा ये ऑब्जेक्ट और ये पूरी की पूरी पोजिशन चेंज करके इस पॉइंट पे आ जाए। यानी कि जहां पर ऑब्जेक्ट अपनी पूरी की पूरी पोजीशन चेंज करके दूसरे पॉइंट पे चला जाता है उस तरह की सारी मोशंस को हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके। और या फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ बी से उठ के कहां आ जाए, इधर सी पे आ जाए। ओके डन। तो ये इस तरह की जो होंगी हमारे पास मोशन उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर, क्योंकि हमने फर्दर देखा था कि ट्रांसलेशनल मोशन के आगे तीन टाइप्स है। तो रेक्टिलिनियर इस तरह स्ट्रेट मूव हो रही होंगी चीजें उसको हम किसमें ले आएंगे, रेक्टिलिनियर कैटेगरी में ले आएंगे। सेकेंड हमारे पास कर्वी लीनियर। कर्वी लीनियर में क्या होगा स्टूडेंट, देखो ऑब्जेक्ट टेन के यू कर्व पाथ में अगर मूव कर और अपनी पोजीशन यहाँ से टोटल उठा के यहाँ से पूरी पोजीशन चेंज कर ले पॉइंट ए से बी में चला जाए तो वो भी किसमें आ जाएगा, वो कर्वी लीनियर में आ जाएगा। और रैंडम में हमने ये देखा था जिसमें बटरफ्लाई टेढ़ी मेढ़ी अपना कोई भी रैंडम कोई भी पाथ इस तरह बटरफ्लाई उठती रहती है तो यहाँ से अगर पॉइंट ए से चली थी तो पॉइंट बी पे आ गई दोबारा ऑब्जेक्ट ने पूरी की पूरी जो है पोजीशन क्या कर ली, चेंज कर ली। तो इस तरह की सारी मोशंस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। और ये हमने चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में देखा था, मींस कि हमने काइनेमेटिक्स में वो सारी टर्म्स पढ़ी थी जो मोशन से रिलेटेड थी। फिर हमने थर्ड चैप्टर में क्या देखा, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हमने ये देखा कि किस तरह जो फोर्स है वो अफेक्ट कर रही है हमारे पास इन तमाम टर्म्स जो एसोसिएट है मोशन के साथ, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सब को हमने देखा यहां पे काइनेमेटिक्स के साथ। इज इट क्लियर? ओके, यानी फोर्स किस तरह अफेक्ट कर रहा है। डन। ओके, अब हम इस चैप्टर में जब पढ़ने लगे ना स्टूडेंट, हम पढ़ने लगे रोटेशनल मोशन के, वो सारी ऑब्जेक्ट जो कि रोटेट हो रही है हम उनको देखेंगे और किस तरह कौन सी टर्म्स उनके साथ एसोसिएट और कैसे। इस चैप्टर में हम रोटेशनल मोशन की काइनेमेटिक्स को भी स्टूडेंट देखने वाले और रोटेशनल मोशन की हम डायनेमिक्स को भी देखेंगे इसी एक ही चैप्टर में, किस तरह फोर्स जो है अफेक्ट कर रहा है किसी भी रोटेटिंग बॉडी में और कौन सी टर्म एसोसिएट जब एक चीज टर्न हो रही होती है तो ये चीजें रोटेट हो रही होती है। तो ये चीजें हमने क्या करना है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। यहाँ पे मैं इसको रेज करने लगा हूँ स्टूडेंट, जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है वो है मेरे पास फोर्सेस ऑन बॉडीज। ठीक है, फोर्सेस ऑफ बॉडीज का मतलब ये कि कोई भी फोर्स मैं किसी भी बॉडी पे लगा रहा हूँ। यहाँ तो मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और ये इस पे एक बंदा है, ये इस पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है ये। ओके ओके, जब ये फोर्स लगा रहा होता है तो हम ये बताने के लिए कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है तो हम इस लाइन को, ये फोर्स की जो लाइन होती है ठीक है, इस डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। इसका एक्सटेंड करने का मकसद ये होता है ताकि हमें क्लियर हो जाए कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होती है। और इसी चीज को जो हमने एक्सटेंड की जो लाइन को, इसी चीज को हम बोलते हैं स्टूडेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इज इट क्लियर? ओके, देन फोर्स स्टूडेंट कंबाइंड भी हो सकती है। फर्स्ट कर लो कि अभी हमारे पास एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा जिस तरह आप देख रहे हो बड़ा है तो ये मैसिव होगा। अब की बार ये एक बंदा इसको नहीं हिला पा रहा ठीक है और ये 5 न्यूटन की फोर्स दे रहा है, तो एक और बंदा भी इसकी हेल्प करता है यहाँ पे और अब ये इजीली क्या कर पाएंगे, दोनों की जब फोर्स 5 न्यूटन पे ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इजीली अपनी लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स है उसमें क्या हो जाएगा, उस डायरेक्शन में मूव होने लग जाएगा। क्यों, 5 + 5 क्या हो गया, 10 हो गया, इनकी फोर्स क्या हो रही है, मेन पॉइंट हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि फोर्स जो है वो कंबाइंड होती है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस में आप ये एग्जाम्पल पुट कर सकते हो। डन। अच्छा, देन आप हमारे पास कुछ टाइप ऑफ फोर्सेस कह लो ठीक है, यानी कि बार दफा फोर्स जिस तरह अगर मैं इस सिनेरियो में देखूं तो यहाँ पे ये जो बंदा है इस वक्त सामने फोर्स लगा रहा है, इसका एक हाथ है और ये इसका दूसरा हाथ है, दोनों से आगे फोर्स लगा रहा है। अब इस तरह की फोर्सेस को हमने एक नाम दे दिया और वो नाम हमने दे दिया स्टूडेंट यहाँ पे, उसको हमने नाम दे दिया पैरेलल फोर्सेस का। डन। तो यहाँ पे इसमें हमारे पास क्या आ गई, पैरेलल फोर्सेस आ गई। ओके, अब पैरेलल फोर्सेस जो है कोई भी फोर्स हो सकती है जो एक दूसरे के पैरेलल हो। पैरेलल मींस के ये देखो ये ऊपर लग रही तो ये नीचे लग रही, दोनों एक दूसरे क्या हो गए, स्ट्रेट पड़े हुए, ऊपर नीचे पड़े हुए, तो हम कहते हैं वो चीज के आपस में पैरेलल है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे एक और अगर बंदा हम यहाँ ले लें इस साइड पे और ये क्या कर ले, ये भी साइड फोर्स, ये साइड फोर्स पे लगाने लग जाए ना, तो ये भी अगर मैं इस बंदे को इंडिविजुअल देख लूं ये भी पैरेलल है, इसकी फोर्सेस भी पैरेलल है, इसकी फोर्सेस भी पैरेलल है। फिर बाद दफा हम फोर्स को इस तरह लगाते हैं कि एक को हम एक को हम दोनों का मैग्नीट्यूड हो सकता है सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाए। जिस तरह आप अगर कभी आपने स्टीयरिंग जो हमारे पास हैंडल होता है बाइक का, अगर आप उसको मोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, मेरे पास हैंडल है ठीक है,
एक फोर्स नीचे लगती है, एक फोर्स ऊपर लग रही होती है। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ तो ये दोनों फोर्स थी वो एक ही डायरेक्शन में लग रही थी, ये वाली जो दोनों फोर्स थी वो भी एक ही डायरेक्शन में लग रही थी, तो हमने इनको नाम दे दिया पैरल। इसको भी हमने नाम पैरल फोर्सेस का ही दिया है, क्यों, क्योंकि एक ऐसी लग रही है दूसरी ऐसी लग रही है, दोनों है तो आपस में पैरल ही, लेकिन इन तमाम फोर्सेस का नाम तो हमने पैरल फोर्स दिया है, लेकिन जो एक ही डायरेक्शन में लग रही हो और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो उसको हमने नाम दिया लाइक पैरल का, लाइक पैरल, ठीक है, क्योंकि पैरल तो वो है, लाइक पैरल फोर्स वो होंगी जो क्या होंगी, दोनों सेम डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड में होंगे, ठीक है, तो वो लाइक पैरल होगी। अब ये भी पैरल फोर्स है, लेकिन क्योंकि एक ऊपर लग रही और एक नीचे लग रही है तो ये भी क्या है, पैरल फोर्स ही है स्टूडेंट, है ये पैरल फोर्स ही, लेकिन क्या हो जाएगी, अनलाइक इसलिए हुई क्योंकि उनकी डायरेक्शन क्या है, चेंज है। इस क्लेस में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, सारी फोर्सेस होती पैरेलल है, लेकिन अगर डायरेक्शन हमारे पास चेंज होगी उनको हमने नाम दे दिया अनलाइक का, और अगर डायरेक्शन सेम होगी इस तरह यहाँ पे डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे मैं क्या नाम दे दूंगा, ये हमारे पास क्या हो रही है, लाइक हो रही है। या अगर मैं इन दोनों को इंडिविजुअली ना देखूं, पूरा एज अ होल देखूं, तो मैं देख रहा हूँ दो फोर्सेस यहाँ पे लग रही है और दो फोर्सेस के ऑपोजिट साइड पे लग रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अनलाइक हो जाएगा, क्यों, एक ऐसी डायरेक्शन में लग रहा है दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों तो ऑपोजिट होगी, तो अगर मैं एज अ होल देखूं इंडिविजुअली ना देखूं तो ये भी मेरे पास क्या कहलाएंगे, अनलाइक कहलाएंगे। इज इट क्लियर, ओके।